यार अभी अभी मैं आया हुआ था बर्ड मार्केट वाली साइड पर ना, किसी काम के सिलसिले में। मैं बर्ड्स लेने नहीं आया था, वैसे आया हुआ था, कोई काम था मुझे। तो मेरा दिल किया यार मैं बर्ड मार्केट में जाता हूँ और चेक करता हूँ कि कौन से परिंदे मुझे मिलते हैं। मैंने कहा आया हूँ तो कुछ ना कुछ देख ही लेता हूँ यहाँ पर। अभी चेक करते हैं अंदर जाके, मैं देखता हूँ कि कुछ मिलता है नहीं मिलता। वैसे मेरा दिल जो कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना ईगल के लिए ना उसकी पार्टनर ले लूँ, क्योंकि हमारा ईगल जो ना हमारे पास ही रहेगा। तो मैंने सोचा यार अकेला है तो उसके लिए कोई पार्टनर वगैरह देखता हूँ, उसका साथी कोई दोस्त कुछ भी मिल जाए तो मैं देखता हूँ। चेक करते हैं, चले यार पता करता हूँ यहाँ पर। भाई चील वगैरह रखते हो आप लोग? नहीं, ये साथ वाले के पास मिले। इधर तो खाली लग रहा है मुझे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा चील वगैरह होते थे, अभी खाली खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चिड़िया वगैरह हैं, चील नहीं है यार। ये कौन से जंगली खरगोश हैं क्या? ये जंगली है ये सारे। फिर पकड़ के लाए आप जंगल से? यार भाई कह रहे हैं ये वाले सारे जंगली खरगोश हैं, ये बहुत तेज़ होते होंगे। अभी तो कैद है ना। वैसे जंगल में बहुत तेज़ खरगोश भागते हैं, आपने घर वाले मारे देखे होंगे, वो भी भागते हैं बड़ा तेज़। लेकिन इनका कोई मुकाबला नहीं है भाई, बहुत तेज होते हैं। अच्छा ये वाले दूसरे हैं ना? ये अंगूर हैं बड़े जो हमारे पास भी हैं, हमारे पास भी हैं इस तरह के। चील ढूंढ रहा हूँ यार मैं, कहाँ लग गया हूँ, चील ढूंढनी है। नहीं यार नज़र नहीं आ रही। देखता हूँ यार पूरी मार्केट एक्सप्लोर करता हूँ, जहाँ से मिलती है ना फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यार मैंने यहाँ पर ईगल देखा है, मतलब चील जो मैं ढूंढ रहा था ना, भाई ने कहा यार हमारे पास है। तो ये देखे जैसे हमारा सेम टू सेम चील है ना ईगल हमारा, वैसे का वैसा। और ये छोटा है, अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अंधेरा है यार। भाई निकाला इसको, भाई निकाला। यार मुझे मुसीबत में लग रहा है, परेशान सा, मतलब जैसे निढाल नहीं होता उस तरह लग रहा है। काटता तो नहीं है ये? सही है, सेम हमारे ईगल जैसा है। बच्चा ही है, इधर ले इसको बाहर। यार चलो यार, मेरा दिल कर रहा है मैं ये वाला ना चील ले लेता हूँ। ईगल भी अकेला है वो भी खुश हो जाएगा, और ये बेचारा यहाँ पर अकेला है तो ये भी खुश हो जाएगा, तो मैं यही करता हूँ। भाई इसको ना पैक कर दो आप मुझे इसको। यार मैं जल्द से जल्द ना अपने सेटअप पर लेके जाता हूँ मिनी जूम में, तो आपको दिखाता हूँ इसको। चलो यार मैं निकलता हूँ अभी, तो आप इंतज़ार में होगा मेरी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से निकला हुआ बाहर। और मैंने ये नहीं बताया कि मैं बर्ड मार्केट भी जाऊँगा, तो जब ये देखेगा ना चील तो देखते हैं क्या कहता है यार वो। मुझे डर भी लग रहा है कि क्योंकि वो कहेगा यार तो जंगली परिंदा तुम क्यों लेके आए हो, तो इस चीज़ का भी डर है मुझे। लेकिन इसको ज़रूरत है यार, मैंने जब इसकी हालत देखी ना मुझे लगा कि इसको रेस्क्यू करना चाहिए। इसके पर भी टूटे हुए थे और ज़ख्म भी थे इसको। अभी देखते हैं यार उधर जा कर ना इसका ट्रीटमेंट अगर करना है तो वो भी करते हैं। चलते हैं यार अभी। इधर आओ, ये पकड़ो, ये गिरता है यार मुझसे, खुल गया है। ये क्या है? खोलो तो सही, इसको जल्दी खोलो और देखो इसकी क्या कंडीशन है। ये मैं मार्केट से लाया हूँ, सही ये है। तो ईगल है हमारी, चील है, चील ही है। और भाई इसको हमें मतलब ट्रीटमेंट करनी है थोड़ी बहुत, है इसको मसले हैं। क्यों है? देखो इसके पर भी खराब है और इसको भूख भी बहुत ज्यादा वो कहने लगी है। इसको खाना दो, सबसे पहला काम यही करना है, इसको निकालो बाहर निकालो। ये मैं वैसे ईगल के भी लाया हूँ, हमारा जो है ना अपनी चील किधर है? काटती तो नहीं है, देखो सही है। सेम टू सेम हमारी चील है ये तो। सेम है, वैसे ही है। और ये छोटा बच्चा अभी उसी तरह आई थी ना, वो कहाँ है? वो वाली हमारी, वो है, मैं लेके आता हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, देखो। चलो चलो, सेम टू सेम ये देखें यार। ओए 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 यार ये तेज है उससे। हमारी वाली ये है ना, ये वाली उड़ती नहीं है, आराम से बैठी रहती है। वो भाई जंप जंप किया उसने बड़ा गंदा। ये देखो सेम इसी तरह, तुम दोनों खुश रहोगे। ये भी अकेली थी यहाँ पर, ये भी अकेला, तो सही नहीं है। तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता इनके जेंडर का, पता नहीं क्या है। बाहर आपस में खेलेंगे ना, खुश रहेंगे। चलो गोश्त लेकर आओ दोनों का। हाँ सही है ना, मैं इनको यहाँ पर बिठा देता हूँ। आ जाओ इधर आ जाओ सुखी। चलो हाँ ऐसे फिर कैसे तुम लेके आ गए? मुझे तो बस अचानक से, मैं उस साइड पे था तो मैंने कहा लेता हूँ कुछ ना कुछ। वो फीड ली है मछलियों की? मछलियों की फीड अभी नहीं मिली, वो थोड़ी देर में जाने लेके आने। अच्छा ये मोबाइल गिरा था तुम्हारा सारा टूटा हुआ? नहीं 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 गिरा नहीं था। हाँ भाई इसको खाना देना है सबसे पहले, हमारी तो खाती रहती ना ये बेचारी भूखी है। ओए क्या कर रही है? लड़ाई तो नहीं कर रही? नहीं नहीं लड़ नहीं रहे, मिल रहे हैं आपस में, हमारा डर के भाग गया। यार ये वाली फीड में लाया हमारे मुझे तो किसके लिए? चील के लिए। इसको खिलाते हैं अभी। आ जाओ देखते हैं वो आता है या नहीं आता। ये तो हमारे वाला है। तुम्हें नहीं देनी, तुम्हें नहीं देनी, उसका है वो। आ जाओ भाई आ जाओ, क्यों देख रही हो उसको, जरा देखो कितना मायूस। उसके पास फेंके, उसके पास जाता हूँ उसको उठाता हूँ। जाओ 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 जाओ
तुम्हें नहीं मिलेगा, सुबह भी दिया था, अभी शाम को थोड़ी लेट मिलेगी, जब जब मैं अपने ऐश फैनों को देंगे ना हम, फिर तुम्हें दे देंगे। वो देखो संभाला नहीं जा रहा उससे, उसको दो। हाँ चलो अब देखते हैं खाता है कि नहीं खाता। खा रहा है, खा रहा है। आ जाओ मेरे पास आओ। इसको आदत डरता है ये बहुत ज़्यादा, इसको अभी हमारी आदत नहीं हुई ना, ये डरता है अभी। अच्छा आ जाओ भाई, आ जाओ, चलो अब खिलाओ। हाँ भाई यार ये उड़ता सही है। सर दोनों चीलों को हमने यहाँ पर बिठा दिया है, थोड़ा सा इसको दे दो, ये चुप तो करे। ये तो है पुराने वाला, नया वाला है उसको दो यार। तो आप यार वो आएगा तो दूंगा ना, मुझे दो। तो यार रुक जाओ एक मिनट, ये लो चलो खाओ। देखो मैंने फेंक दिया, अब खाएगा देखा। क्यों नहीं खाएगा, खाएगा। अरे यार मार, और क्या यार। मैंने बोला भी है खाएगा। पता नहीं यार बेचारा कितने दिनों से भूखा था, कुछ खा भी रहा था नहीं खा रहा था, अब मुझे लगता है यहाँ पर ये खुश है, खाएगा और खुश हो जाएगा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं यार। सिप्टेन काफी टाइम से बाहर था, मैं उसी का वेट कर रहा था, और जब आया वो सरप्राइज उसने मुझे दिया है। ईगल बेचारा हमारा काफी महीनों से अकेला था, और आप सब भी कहते थे कि यार ईगल के लिए कोई दोस्त लेकर आए, तो पता नहीं उसको कैसे नजर आ गया सिप्टेन को। और पता है दोस्तों हमारी अब मुर्गी जो है ना आराम से अंडों पर बैठी हुई है। किस अंडों पर? मोर के अंडों पर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। हाँ भाई सही से इनके वेट कर रही हो ना। हाँ ये बाहर क्यों निकाला हुआ है अंडा? ओहो ये बाहर है, बाकी नीचे हैं इसके। एक मिनट, सही है सही है, सही से इनक्यूबेट कर लेगी यार, इतना भी छोटी मुर्गी नहीं है। और हाँ काफी भाई मुझे यार कह रहे थे कि भाई आपने मुर्गी के नीचे मोर के अंडे क्यों रखे हैं, ये तो अच्छे से इंक्यूबेट नहीं करी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिल्कुल गलती नहीं की, मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि ज़्यादातर भाई जो होते हैं मोर के अंडे मुर्गियों के नीचे या टर्की बर्ड्स के नीचे रखते हैं, मोरनी के नीचे बहुत कम रखे जाते हैं अंडे। तो मुर्गी या टर्की बर्ड्स इनके अंडों को इंक्यूबेट करती है, इन मोर के अंडों को। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये मुर्गी सही से इंक्यूबेट करेगी, टेंशन ना लें। टैन अभी तक भी बंद है यार, ज़रा जल्दी से बनवाओ यार। यार कुछ नहीं होता, 5 मिनट हुए अभी, आधा घंटा घंटा निकाल लेती है बगैर ऑक्सीजन के भी इस तरह। ओहो यार हमारे UPS का इशू चल रहा है, अभी तकरीबन 5 मिनट हो गए हमारा ना एक्वेरियम बंद है। अगर ज़्यादा टाइम ऐसे बंद रहेगा तो मछलियों को ऑक्सीजन का मसला हो जाएगा और हमारी मछलियाँ मर भी सकती हैं। तो भाई बना रहे हैं, हमने फ़ौरन बुला लिया भाई को, भाई जल्दी से आ जाए हमारा UPS बना के दें, हमारा एक्वेरियम ऐसे बंद ना रहे। देखो यार कुछ हो तो ना हो। नहीं इतना जल्दी नहीं था, मैंने पूछा था। देखो खुश हैं अभी, बन जाएगा देखो। हाँ भाई चलता है यार, थोड़ा सा वेट कर लो हैं। ओ बन गया, चल गया। कहा नहीं मैंने यार, मैं तो डर गया था यार, भाई ने बोला था ऑक्सीजन वाली मछलियाँ एक घंटे में ये मर भी सकती हैं अगर इनका ऑक्सीजन नहीं चलेगा तो। अब चल गया चल गया चल गया अब ठीक है। चलो भाई ओके। हाँ भाई कैसे हो सर? यार आज बैड न्यूज़ ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ यार, वाकई में हमारे साथ कुछ है। मैं पौधे लगाने में कामयाब बहुत कम होता हूँ। मैं कल खुश हो रहा था कि हमारी बेलें हो रही हैं, और आज हमारी बेलें टूटी हुई हैं। दरवाज़ा भी बंद था यार यहाँ से, और मुझे शक है कि ऊपर बैठते हैं कबूतर शायद नीचे आए हों और उन पत्ते खाने की कोशिश की हों। कभी कभी कबूतर भी पत्ते वगैरह खा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर फाउंटेन में हमारे होते थे ना पौधे, कबूतर खा रहे होते थे। हट जाओ। चलो शाबाश। यहाँ पर हमारे दोस्त देखें, दो बतखें ना अंडों पर बैठी हुई हैं। मैंने इनके घर की ना अभी सफाई की थी, और यहाँ पर जो कचरा वगैरह था सारा मैंने हटा लिया था। ओहो एक गलती होगी मुझसे, हटो ज़रा यार। यहाँ पर ईंट रखनी चाहिए थी मुझे, ईंट नहीं है, ये तो अंडे गिर जाएंगे नीचे, फिर मसला होगा। मैं ना ईंट ये वाली इधर दे देता हूँ ऐसे, अब सही है। बहुत प्यारी फील आ रही है यार, नेचुरल ये इस तरह से। हाँ भाई जाओ बना लिया, ईंट रख दिया मैंने, चलो जाओ शाबाश। वहाँ पर यार शायान देख रहा है कि दो ईगल कैसे आए हुए हैं, हैरान हो रहा है। ठीक है नहीं। क्या हुआ? गुड न्यूज है, क्या चीज है मुझे अभी बता दो ना। ईगल का बच्चा आ गया हैं? हाँ। आ रहा हूँ। शायान देख के सरप्राइज हो गया यार कि ईगल का बच्चा कहाँ से आ गया, कहाँ पर है? हैं दिखाओ, वो दिखाओ। ओए ये कहाँ से आ गया? वो उसके पेट से निकला भाई। उसके पेट से निकला है? हाँ। बच्चे नहीं देता ईगल, अंडे देता यार। चाचू ने ही लिया है, मुझे भी नहीं पता था चाचू सरप्राइज लेके आए हैं, इस डिब्बे में था ये देख रहे हो। हाँ। चाचू लेके आए हैं। अच्छे हाँ। इसको अब पालना है हमने, जिस तरह से हमारा पुराने वाला ईगल था ना उसको भी पालना है।
सही है, दुआ करो पल जाए हमारे पल जाए। हाँ गुड गुड, आ जाओ यार। यहाँ पर दो कबूतर थे हमारे जो बीमार थे, हमने उनको ना ठीक करने के लिए यहाँ पर लाए थे अलहदा से। इनमें से ना एक तो मुझे नजर आ गया है, ये वाला फ्रिल कबूतर, ये यहाँ पर बैठा है, उड़ के पता नहीं कैसे इधर आ गए हैं। इसको अंधेरे में पकड़ना, अभी ना पकड़ो तो आप देखो निकल गया ना। हो नीचे 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 नीचे, ठीक है अब नहीं छेड़ना ठीक है। ओए होए होए, बहुत तेज है यार, मैं भी चेक करने लगा था कि इनकी कितनी स्पीड में मैं इनको पकड़ पाता हूँ कि नहीं, लेकिन एक झटके में निकलते हैं। मुझे लगता है ये भी जंगलों की तरह ही तेज भागते हैं, जैसे दो यहाँ पर बैठे हैं ना, इनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये तो आ गया आराम से हाथ में, अभी इसको बाद में पता चला है कि किसी ने पकड़ा मुझे, ये तेज है। सारे हमारे जो रैबिट्स हैं ना शिफ्ट रूम में रहते, बाहर ही निकलते पता नहीं क्यों। हाँ ये काटे गए, असली लग रहा था ये। तो यार शाम हो चुकी है, मतलब रात होने ही वाली है, तो तुराब को मैंने कहा यार कबूतर को पकड़ लो, ये ना हो कि बिल्ली आके ले जाए इसको। तो भाई अभी पकड़ते हैं इसको, अब नहीं उड़ना चाहिए तुराब। चलो तो यार मुझे तो डर लग रहा है कहीं चला ना जाए ये। नहीं जाएगा अब तो पकड़ सकते। नीचे आ जाओ यार। क्या बात है यहाँ पर ईगल पत्थरों पर बैठते हैं ना। अच्छा ये किसने कहा पत्थरों पर बैठते हैं? उड़ना नहीं यहाँ पर बैठे रहो सही है। ओके। ये तो मेरे ख्याल 3-4 महीनों का होगा, अभी इसके पर रहे हैं ताजे। चलो उड़ेगा ये। हाँ ये तो नहीं उड़ सकता, ये एक दिन उड़ जाएगा, क्या पता इधर का आदि हो जाए, पता नहीं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ऊपर चलो तो मैं एक चीज दिखाऊं, हमारा कोई भी मोर पंख नहीं फैलाता पता है, क्यों अभी फैलाया हुआ था इसने, मैंने ऊपर से देखा, मैं तो हफ्ता हो गया देखा नहीं। वाइट भी फैलाता है और ये वाला भी था ना इसके ऊपर ऐश ने हमला किया था, सबस वाला भी फैलाया था, छोटा सा पूंछ था इसका, गंदा लगता बहुत, गंदा तो नहीं लेकिन पहले बहुत प्यारे लगता था। ऊपर तो मैं एक चीज दिखाऊं, पौधे टूट गए हमारे सारे, रात को तुम्हें याद रहता है क्यारी में जो थे ना पौधे सारे के सारे टूट गए हैं। मुबारक हो। हाँ जी चलो आओ देखूं, टूट गए, मैंने कहा भी नहीं कामयाब होते थे। हाँ टूट गए सारे, बस टूट गए। चलो भाई आओ।